नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब सामने आ चुके हैं। मोदी मैजिक के चलते जहां बीजेपी 22 साल के बाद भी गुजरात में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस के एक और किले हिमाचल प्रदेश में सेंध लगाते हुए बंपर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजयी अभियान जारी है, लेकिन इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस के बदले रुख ने बीजेपी की परेशानी को जरूर बढ़ा दिया। दरअसल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही पार पाना होगा। बीजेपी के लिए जहां ग्रामीण इलाकों में पैठ बढ़ाने की चुनौती है, जीएसटी से बढ़ी व्यापारियों की परेशानी से पार पाना है, किसानों पर भरोसा बढ़ाना है, युवाओं पर अपना भरोसा कायम रखना है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने पार्टी के खोए जनाधार को वापस पाने की चुनौती होगी। पार्टी के पुराने चेहरों को साथ लेकर युवा टीम को भी तरजीह देते हुए सामंजस्य बिठाने की चुनौती होगी, यानी संगठनात्मक चुनौतियों से राहुल गांधी को निपटना होगा। हालांकि लगातार मिल रही शिकस्त के बीच निश्चित तौर पर गुजरात में पार्टी की परफॉर्मेंस को देखते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद जरूर हुआ होगा, लेकिन चुनौतियों का अंबार दोनों ही दलों के सामने। आगे कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा से इन दोनों ही दलों को गुजरना होगा, आज चर्चा इसी मुद्दे पर। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जहां बंपर जीत हासिल करने में कामयाब रही है, वहीं गुजरात में 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात देते हुए कांग्रेस को एक बार फिर शिकस्त देने में कामयाब रही। हालांकि इस बार कांग्रेस की ओर से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन मोदी के मैजिक के आगे कांग्रेस की नैया पार नहीं हो पाई। हालांकि कांग्रेस ने यह जरूर बता दिया कि वो भी मैदान मार सकते। ऐसे में अब दोनों पार्टियों के लिए 2019 में होने वाले आम चुनाव में बड़ी चुनौतियां होंगी। बीजेपी को जहां शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ानी होगी, वहीं कांग्रेस के सामने पार्टी के पुराने चेहरों को आगे रखने के साथ युवाओं को एकजुट करने की चुनौती से भी पार पाना होगा। बीजेपी दो राज्यों में जीत के साथ बम बम कर रही है। कांग्रेस की कश्ती करीब आकर भी डूब गई। कांग्रेस गुजरात तो जीत नहीं पाई, हिमाचल भी हाथ से फिसल गया। बीजेपी ने गुजरात बचाया और हिमाचल भी छीन लिया। बीजेपी की जीत के हीरो हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी का मैजिक ही है कि बीजेपी की झोली फिर भर गई है। अगर मोदी नहीं होते तो शायद बीजेपी को गुजरात की गली में मायूसी हाथ लगती। चुनावी महाभारत में जातिवाद की जंग में मोदी ने सभी को धूल चटा दी। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जब हम लड़ने जाएंगे, तब पूरे देश भर के अंदर ये जन समर्थन हमें एक बार फिर से प्राप्त हुआ होगा। 2014 से 2019 के बीच में वो हमारा हौसला बढ़ाएगा। और मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2022 का, न्यू इंडिया की कल्पना देश के युवाओं के सामने रखी है, मुझे लगता है कि हम उसको सिद्ध कर पाएंगे। बीजेपी दो राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, 2019 में जीत का दावा कर रही है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनौती पेश की, वैसे में बीजेपी को और भी कमर कसनी होगी। मैं नहीं कह रही कि सरकार नहीं बननी चाहिए थी, बननी चाहिए थी। देखेगी पार्टी उस पर गौर करेगी, लेकिन मेरा मकसद, मेरा कहना है कि भाई हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। गुजरात में किसानों की समस्या बहुत है। आरक्षण की मांग को लेकर अब भी पाटीदार बितके हुए हैं। गांव में विकास की रफ्तार धीमी है, इसलिए बीजेपी को ग्रामीण मतदाताओं ने उतना साथ नहीं दिया जितना शहरी मतदाताओं ने बीजेपी का साथ दिया। कृषि का दर भी बढ़ा है, पानी मिला है किसानों को, लेकिन कभी कभी कुदरती आपत्ति आ जाती है, इसमें किसानों को नुकसान जरूर होता है। सरकार कितना ही प्रयास करे किसानों को मदद करने की, फिर भी इसमें हम कम पड़ते ही है। उसका किसानों में निराशा होती है, मैं मानती हूँ। आनंदीबेन भी मानती हैं कि किसानों की समस्या है। गुजरात की जनता ने मोदी को वोट दिया है, इसलिए अब पीएम मोदी को इस रिजल्ट से सीख लेकर 2019 की तैयारी करनी होगी। किसानों पर ध्यान देना होगा। शहरों में कुछ जगहों पर जीएसटी और नोटबंदी से थोड़ा नुकसान हुआ, उसे ठीक करना होगा। गांव का विकास करना होगा, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। गुजरात के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को मिशन 2019 के लिए जमीनी स्तर पर और भी काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
या तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब सामने आ चुके हैं। दोनों ही राज्यों में मोदी मैजिक काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन गुजरात में इस बार कांग्रेस की तरफ से जो चुनौती पेश की गई है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के परेशानी को बढ़ाने का काम कर सकती है, क्योंकि 2019 से पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसके बाद आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आगे की राह तय करनी है। कांग्रेस के सामने भी चुनौतियों का अंबार है। इन दोनों दलों के सामने इन चुनावों के बाद किस तरह की चुनौती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ भरत सिंह जी जुड़े हैं, आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता शरबत जहां फातिमा जी हमारे साथ हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भरत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मोदी का मैजिक तो चल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि गुजरात में इस बार जीत आसान नहीं रही आप लोगों के लिए? क्षमा करिएगा, आप मेरा परिचय करा रहे हैं, लेकिन मैं बलिया से सांसद हूं, ये आपने नहीं बताया। सर चलिए ठीक है, आपको पहचान की जरूरत नहीं है भरत सिंह जी। धन्यवाद। देखिए ये आप पूछिए, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? सर गुजरात का गढ़ बचाने में तो आप लोग कामयाब हो गए, लेकिन इस बार की जीत आसान नहीं रही आप लोगों को, पसीना बहुत बहाना पड़ा। गुजरात का गढ़ तो बचना ही था, जब हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे थे और उनके सिपा सलार हमारे सेनापति आदरणीय श्री अमित शाह जी दोनों हमारे नेता जब लगे हुए थे तो गुजरात तो चुनाव हमको जितना ही था। और ये इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और मोदी जी को अमित शाह जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप ऐसे नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने इतनी बड़ी ये जीत हासिल किया है और ये बहुत बड़ा ये है, इसलिए कि 22 साल सत्ता में रहने के बाद भी और इतना दुष्प्रचार हुआ, इतने बिलो स्टैंडर्ड पर लोगों ने प्रचार किया, उसके बावजूद हम लोग अच्छे मतों से जीते हैं, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। सर सीटें घटी हैं हमारे लिए, सीटें घटी हैं, वोट शेयर भले ही थोड़ा बढ़ा हो लेकिन सीटें जिस तरह से घटी हैं, हाँ, ये बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। ये बताइए 22 सालों तक सत्ता में रहने के बाद ये चुनाव हुआ है और पूरा वातावरण बना हुआ था कि जैसे कि बहुत टफ फाइट चल रही है, कांग्रेस को राहुल गांधी को पूरा हाईलाइट किया जा रहा था, उसके बावजूद मोदी जी और अब अमित शाह जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग जीते हैं। ये चुनाव हमारे ये कार्यकर्ताओं की जीत है और ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो काम जारी रहेंगे। चले नतीजे के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं का उत्साह वर्धन जरूर करते नजर आते हैं, लेकिन शरबत जहां फातिमा जी आपको क्या लगता है कि गुजरात में कांग्रेस हार कर भी जीत गई? बिल्कुल, कांग्रेस हार कर भी जीत गई, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस मुद्दों पे हम चुनाव लड़े थे उस मुद्दे पे आज भी अडिग हैं और आगे इसी को बढ़ा करके रहेंगे। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे उस गुजरात के लिए, उस 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए, गुजराती भाई बहनों के लिए जो आज भी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां 13 से 15 लाख तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के सहारे चल रहा गुजरात। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आज जो भी वाहवाही ले ले, सरकार बना ले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो जीता वही सिकंदर आज वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन गुजरात वासियों से जाकर पूछिए कि हाँ गुजरात वासियों की क्या तकलीफ है। और उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हम मजबूती से चुनाव में उतरे थे उन्हीं सबको लेकर के एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे और
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी को और अमित शाह जी को ये याद दिलाएंगे कि गुजरात के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को याद करें जिसे वो 22 सालों से भूले हुए हैं। भले ही गुजरात की जनता उन्हें चुनती है तो इससे उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो वहां के लोगों को देखें जो गुजरात मॉडल वो सारे हिंदुस्तान में पेश किया करते हैं। हकीकत में गुजरात मॉडल क्या है इस बार हम लोग सब खुद अपनी आंखों से देख करके आए। अगर नहीं देख करके आए होते तो शायद इतने तरीके से आपको बात नहीं रख पाते। आज भी गुजरात में जब आप देही इलाकों में जाते हैं, गांव के इलाकों में जाते हैं तो वो सारी सुविधाओं से वो वंचित है। वहां के लोग नहीं जानते हैं कि इंटरनेट से फटाफट कैसे सारे काम होते हैं। वहां के लोग कार्ड स्वाइप करना, आज भी वहां शॉप में कार्ड स्वाइप नहीं होता। हम खुद गए थे एक डिस्ट्रिक्ट अमरेली है, वहां पे हम गए थे, 15 दिन वहां पे मेरा रहना हुआ। किसी चीज को खरीदने के लिए सामान गए, वहां हम कार्ड स्वाइप करना चाहे, उन्होंने मना कर दिया कि मैडम यहाँ कार्ड स्वाइप नहीं होता। हमें हैरानी हुई है। हमने कहा कि मोदी जी के प्रदेश में कार्ड स्वाइप नहीं होता, वो भी डिस्ट्रिक्ट टाउन में। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं, शायद हमारी आगे की जनरेशन जब आएगी तो वो कर पाएगी। मेरा जवाब था कि आगे की जनरेशन जब आपकी आएगी और कर पाएगी तब तक तो हिंदुस्तान और कहीं आगे निकल चुका होगा। ये है वहां की हकीकत। तो हमें कोई एतराज नहीं है अपनी ये हार को स्वीकार करने में और उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हैं हम कि हाँ वो गुजरात में आज चले ठीक है, लेकिन जिस तरह की टक्कर कांग्रेस ने दी है इससे ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह थोड़ा बढ़ा जरूर है। लेकिन फिरोज बख्त साहब, इस बार का जो गुजरात विधानसभा चुनाव का जो नतीजा सामने अब तक आया है वो क्या स्थिति बयां कर रहा है आने वाले वक्त की? देखिए, गुजरात चुनाव का जो नतीजा सामने आया है उसने काफ़ी सारे जो एग्जिट पोल हैं उनको डिनाई किया, उनको नकारा। पहली तो चीज़ यह है क्योंकि लोग अंदाज़ा ये लगा रहे थे, कोई 150 सीटें बोल रहा था, कोई 135, कोई 120। खुद मेरा भी अंदाज़ा ये था कि 100 के पार 110, 120 सीटें बीजेपी ले आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो है कि जो एग्जिट पोल होते हैं उनमें पूर्ण रूप से हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो असली रिजल्ट है वही सब कुछ होता है। अब ये पोल जो है एग्जिट पोल, इसमें किस तरह से क्या मैनेज किए जाते हैं अलग चीज है। आपने देखा होगा अमेरिका में ट्रम्प का भी ऐसी है, लोग सोच रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जो है वो जीतेंगी, 90% लोग कह रहे थे। तो एक तो चीज ये है कि अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने फाइट दी है और अच्छी फाइट दी है, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर थोड़ी सी होशियारी से, थोड़ा सा समझदारी से कांग्रेस और काम लेती तो उसकी सीटें भी बढ़ सकती थी। अब ये कहना कि जी हम 28 सीटों पे 500 से 1500 से हारे, अब कुछ नहीं, तो क्योंकि जो जीता वही सिकंदर है, तो अब करना ही होगा। हाँ, इसका एक फायदा कांग्रेस को ये हुआ है कि इसके जो युवराज थे, यानी जिनका मजाक उड़ाया जाता था अब तक, पप्पू और ना जाने क्या क्या टाइटल, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, उनको एक वो अच्छी तरह से मंच गए हैं। और एक चीज ये सामने निकल के आ गई है कि मोदी के सामने अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। हालांकि मैं अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बूस्टअप जरूर हुए, जी बूस्टअप हुए, हालांकि मैं अभी भी नहीं उनको, एक सेकंड आपके इस बात के लिए, नहीं आप बोलिएगा, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं, मैंने आपके बीच में आपको नहीं टोका था, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। तो राहुल के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो काफी इस इलेक्शन में मंझ गए हैं, और जो उनकी एक इमेज बना रखी थी, एक परसेप्शन बना रखा था मीडिया ने, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर आने की कोशिश की है और हो सकता है कि उसे वो बाहर आए। तो ये प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए जरूर हुआ है। लेकिन जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है तो मैं कहूंगा उसके लिए 99 या 100 सीटें जितने भी आई हैं, एंड में तो मुझे पता नहीं लास्ट फिगर क्या था, 99 मैंने देखा था। तो मैं समझता हूं एक वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए। पूरी मशीनरी जो है बीजेपी ने वहां डाल रखी थी 10-15 दिनों के लिए, खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिनका पहले स्टेट था, वहां के चीफ मिनिस्टर थे मोदी भाई, वहां वो उन्होंने डेरा डाल रखा था। इस सब के बावजूद आई थिंक शायद सेंचुरी नहीं लगा सके, तो ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है। बहुत ज्यादा उनको खुश रहने की जरूरत नहीं है, 2019 के लिए उनको बराबरी से मेहनत करनी होगी। और ये जो विपक्ष है, हो सकता है विपक्ष जैसे बहादुर शाह जफर के वक्त सारे लोग सामने आ गए थे लड़ने के लिए, तो हो सकता है कि ये सबको जोड़ने का काम करें राहुल गांधी, जिनको कि अभी तक इनकॉम्पिटेंट या इनका मजाक उड़ाया जा रहा था। ठीक है, आमिर जैदी साहब, अब विपक्षी दलों को एकजुट करने में राहुल को कितनी कामयाबी मिल सकती है और कितना भरोसा राहुल पर कर सकते हैं दूसरी पार्टियां?
देखिए पहले तो ये है कि ग्राम चुनाव पे आ जाओ, पहले तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बीजेपी को कोई बढ़त नहीं है, अलग अलग मुद्दे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का आप एनालिसिस कीजिए, वहाँ पे एक चीज मानने की होगी कि किसान तक विकास नहीं पहुँचा है। किसान आज भी देखो मूंगफली की खेती और कपास की खेती वहाँ होती है जहाँ पानी के संसाधन नहीं होते हैं, तो एक तो ये प्रमाण है। दूसरे वहां की फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है, जिसका आक्रोश वोट में भी नजर आता है। दूसरे प्रथम चरण का आप मतदान अगर आप देखेंगे प्रथम चरण में जहां मतदान हुआ वहां के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वहां चुनाव की फिगर कुछ और होगी। द्वितीय चरण में जब हम जाते हैं तो मणिशंकर एक फैक्टर वहां काम करने लगता है। कांग्रेस के मणिशंकर बीजेपी को दो चुनाव जिताते हैं, 2014 का लोकसभा भी चुनाव उन्होंने जिताया और ये भी चुनाव मणिशंकर अय्यर की ही देने जिताना। अब इसमें कांग्रेस की कमी कहां रह जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस बीजेपी अपनी इस मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी को अपने पक्ष में भुना ले जाती है। कांग्रेस के ऊपर जो टिप्पणी होती है कांग्रेस उसमें मुख दर्शक बनी रहती है। मिसाल के तौर से मेरे सामने राहुल गांधी को कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता आरएसएस के प्रवक्ता ने देश के लिए कलंक बताया, बीजेपी कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को देश का आतंकवादी तक की संज्ञा दे दी गई, पूर्व उपराष्ट्रपति को सेना प्रमुख को, कांग्रेस उसे इनकैश नहीं कर सकती थी। दूसरे ये कि विपक्षी बिखराव बहुत था, हमने बार बार कांग्रेस से कहा कि विपक्षी बिखराव को रोकिए। कांग्रेस सोच रही थी कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया, ये तीन आंदोलनकारी हमारी गोद में आ गए। हम जब पूछना चाहते हैं जब 2015 या 16 के अंदर ये आंदोलन चल रहा था ऊना का, तो जब कांग्रेस नहीं थी एक नया नारा दिया गया था, एक नारा हमारा था एक उधर से दिया गया, जय भीम लाल सलाम, इसे जोड़ा गया एक साथ, जंतर मंतर में भी थे, ऊना में भी थे, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं नजर आई। अगर ये 2015 में उस आंदोलन के साथ खड़ी हुई नजर आती तो आज कुछ और होता। अगर ये 2000 में नहीं, अब कहना सही ट्रैक पर दिख रहे हैं, अब सुन लीजिए, अब इसमें कहना चाहिए अब भी उसने नहीं किया, नहीं सीखा। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में नहीं, एक चीज मैं मंगाऊंगा बीजेपी को धन्यवाद दूंगा, बल्कि मुबारकबाद दूंगा। बीजेपी जब ये कहती है कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो इस चुनाव में मुझे कांग्रेस विचारधारा मुक्त भारत होता हुआ नजर आया। यहाँ पे होड़ ये लगी थी कि आया कौन बड़ा हिंदू, बीजेपी बड़ी हिंदू या कांग्रेस बड़ी हिंदू। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे सामने बैठ के कह रहे थे कि कांग्रेस सनातन धर्म वाली, सनातन धर्म को विचारों पर चलने वाली पार्टी है, सनातन धर्म को व्यक्ति माने ये उसका विशेषाधिकार है। आप 365 मंदिर जाएं, हर रोज नए मंदिर जाएं, ये उसका अपना अधिकार है, लेकिन मंदिर जाने का भी प्रचार किया जाए, ये एक चीज होती है राजनीति के अंदर। शर्मा जहां फातिमा जी को शायद ये लग रहा होगा कि जो ताबड़तोड़ मंदिरों के दौरे किए गए हैं, दर्शन करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं, उसका बेनिफिट मिला है? नहीं, शर्मा जहां फातिमा जी, बेनिफिट नहीं मिला, मैं बेनिफिट नहीं मिला। देखिए आप बीजेपी एक एस्टेब्लिश हिंदूवादी पार्टी है, सब जानते हैं उन्हें, कांग्रेस को बताने की जरूरत क्या पड़ रही है? राहुल गांधी को ये बताना पड़ा कि मैं पंडित, उसे मैं उस पर मैं आ रहा हूँ, शर्मा जी रुक जाइए, आ रहा हूँ उस पर, शर्मा जहां जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए बीजेपी अगर ये कहे कि हम हिंदूवादी पार्टी एस्टेब्लिश पार्टी, अब कांग्रेस उसके सामने ये आई कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू है, कान पे डाल के आप घूमे जनेव तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आप तीन जने पहनिए, चार पहनिए, आप 365 दिन अलग अलग मंदिर जाइए। कांग्रेस अलग चीज है, कांग्रेस का बीजेपी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होगा, कांग्रेस का विचारधारा का वोट है। लेकिन जब बीजेपी कांग्रेस इस मुहिम में आई तो जो सेकुलर वोट था वो वहां कंफ्यूज हो गया, वो हताश हो गया, निराश हो गया, उसने सोचा अब मैं किसे वोट दूं। द्वितीय चरण का मतदान उठा के देख लीजिए, उसका आंकड़े कुछ और है और प्रथम चरण के आंकड़े कुछ और है। हम सुबह से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की रही या फिर शहरी इलाकों में जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिला है वो वाकई में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की चिंता को बढ़ाने का काम करता है। आपने किसानों का जिक्र जरूर किया है, किसान खफा जरूर थे, लेकिन शरबत जहां फातिमा जी जो मंदिर का जिक्र किया है या फिर जैसा आमिर हैदर जैदी साहब कह रहे हैं कि विपक्षियों को जोड़ नहीं पाए, अगर ये काम पहले हो जाता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। अक्षय जहां तक मंदिर की बात आपको कहे, पहले एक एक करके आंसर कर रहे हैं, मंदिर की बात जो कही गई, राहुल जी का ये विशेषाधिकार है वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए या कहां जाए,
मंदिर जाने के लिए बीजेपी की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो केदारनाथ भी गए थे और वो बनारस में भी जाकर के उन्होंने पूजा करी थी, लेकिन गुजरात में जैसे ही वो मंदिर जाना शुरू किए, बीजेपी को लगा कि अरे ये तो मेरे गढ़ में आकर के और मंदिर जाकर के मेरे जो मेरा विशेषाधिकार है उसे छीन रहे हैं। ये गलत था, ये बीजेपी ने मंदिर जाना, बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया। बीजेपी ने ये कहा कि वो हिंदू नहीं है, वो जनेऊ धारण नहीं है, तो उन्हें पुरानी फोटो दिखाई गई कि जब उनका जनेऊ किया गया था। ये बीजेपी की जीत आप मान रही है शरबत जहां फातिमा जी, ये तो बीजेपी की जीत आप मान रही है हर सूरत, आपको साबित करना पड़ रहा है। आप मेरी बात अक्षय, बिल्कुल नहीं अक्षय, अक्षय हमारे तरफ से यही जवाब आया था। अगर आपको याद हो जब वो मंदिर की बातें करने लगे थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही जवाब आया था कि कोई बीजेपी पेटेंट करा करके नहीं बैठी हुई है, किसी बीजेपी ही मंदिर जा सकती है, कांग्रेस ही मंदिर नहीं जा सकती। लेकिन मैडम सवाल तब उठते हैं ना, मंदिर नहीं जा सकते चुनावी बेला के वक्त ताबड़तोड़ मंदिरों के दौरे किए जाए, तब तो लोगों के जहन में आता है अचानक इतना प्रेम। नहीं आपको कैसे, नहीं नहीं किसे पता, क्या बीजेपी को क्या पता है किसे कहते हैं आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो चुनावी दौरा क्या कर दीजिए ना हमें, आप धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कर दीजिए ना। आप अमर अधर साहब सुन लीजिए, क्या क्या किसी, क्या किसी को, क्या किसी को पर्सनल नहीं है कि वो मंदिर जा सकते हैं? अगर जाए, कोई मुस्लिम है तो क्या वो नमाज पढ़ने नहीं जा सकता? लेकिन मंदिर का चुनाव के अंदर प्रचार करना या मंदिर को चुनाव के लिए वोट के लिए करना, अरे हमने प्रचार नहीं किया, ये प्रचार तो बीजेपी ने किया, ये तो मुफ्त का प्रचार बीजेपी ने किया, नहीं है आपके लिए नुकसान की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी जब ये कहती है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि इस चुनाव में बीजेपी को मुबारकबाद, उसने इस चुनाव के अंदर बीजेपी को कांग्रेस की विचारधारा से मुक्त कर दिया है। अब देश को ये सोचना है कि बड़ा हिंदू चाहिए या छोटा हिंदू। जैनी साहब आपको क्या लग रहा है कि एक कांग्रेस ने परिवर्तन किया, कोई अक्षय नहीं, नहीं। उन्हें लग रहा है कि ये थोड़ा जरूरी हो गया था। अक्षय मुझे कांग्रेस, ये बीजेपी बीजेपी ये चुनाव अपनी वजह से नहीं जीती, हमने पहले दिन कहा था ये कांग्रेस अगर चुनाव लूज करती है तो ये कांग्रेस की कमी होगी कि विपक्ष का जो बिखराव है वो कांग्रेस समेटना ही नहीं चाहती। ठीक है, संक्षेप में शरबत जहां फातिमा जी, संक्षेप में बात, अक्षय 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 अगर आपको याद हो तो पूरा गुजरात चुनाव हमने मुद्दों पे लड़ा है, गुजरात के लिए हर रोज एक क्वेश्चन हम लोग दायर करते थे कि प्रधानमंत्री जी जवाब दे, गुजरात सरकार जवाब दे। मैडम सवाल तो लगातार एक के बाद किए जाते थे हर दिन, लेकिन उसके बाद हर मुद्दों पे चुनाव लड़े हैं, जब अंधकार में था विकास के मुद्दे से दोनों पार्टियां भटकती नजर आई हैं, दोनों पार्टियां विकास के मुद्दे से भटकती नजर आई हैं। मैं आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले भरत सिंह जी से एक रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगा। कितनी बड़ी चुनौती अब आप मान रहे हैं कि अपना गढ़ बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन 2019 के मद्देनजर अब कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है और किस तरह की रणनीति में परिवर्तन करना होगा, संक्षेप में। भरत सिंह जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है सर। कितनी बड़ी चुनौती अब मान रहे हैं 2019 को लेकर, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो कम से कम इन चुनाव में नजर नहीं आया है, खासतौर पर गुजरात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की कांग्रेस युक्त जीत जरूर कह सकते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस एक एक करके कांग्रेस हारती जा रही है, और इस चुनाव को तो कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया था और पूरा एक आकाश पाताल एक कर दिया था कि ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज ये तो मोदी जी अमित शाह जी का प्रचंड नेतृत्व के सामने और राहुल गांधी की जो आंधी उड़ाए थे खत्म हो गई, राहुल गांधी का फैक्टर खत्म हो गया, और ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि इस देश के अंदर वंशवाद नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने नया जो कार्यक्रम चालू किया इस देश के विकास के लिए, आजादी के 70 सालों के बाद अपने अंदर भी झांक करके दिखा लीजिए, देश में जो सवाल वो जो मोदी जी ने जो काम शुरू किया है वो काम आगे बढ़ेगा, ये इस बात का
प्रमाण मिला, इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया। ये बीजेपी का उत्साह है या फिर उत्साह है? जीत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, लेकिन राजनीति के तमाम विश्लेषक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। गुजरात चुनाव में जो जीत, अभी प्रधानमंत्री जी को भी सुन रहे थे, काफी उत्साहित थे और उन्होंने कहा कि ये जीत विकास की जीत है, ये ब्रांड मोदी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए अक्षय भाई, ऐसा है कि जहाँ तक ब्रांड मोदी की बात है, मोदी ने तो अपने को साबित कर दिया, क्योंकि सिवाय बिहार और दिल्ली के वो हर एक इलेक्शन जीते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान के बाहर भी बतौर एक वर्ल्ड लीडर की उनकी पहचान बन गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा, अब देखना यह है कि ब्रांड मोदी आगे कितना चलता है। मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगा, अभी बात चल रही थी, बहस हो रही थी आमिर साहब और इनके सरवा साहेबा के बीच में। देखिए, मोदी जी का इतना बड़ा कमाल नहीं है गुजरात में इलेक्शन जीतना या कहीं भी इलेक्शन जीतना, उसमें मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ी भागीदारी राहुल गांधी जी की है। ठीक है, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, तारीखी पार्टी है, ये पार्टी गांधी जी की, नेहरू जी की, सरदार पटेल की, मौलाना आजाद की पार्टी है। अब आज आके इसमें ऐसा लगता है कि लीडरशिप का अभाव हो गया है। राहुल गांधी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे विचारों से कोई रंजिश नहीं है, कोई मुझे उनसे गिले शिकवे नहीं है, लेकिन वो ठीक है, उन्होंने इस इलेक्शन में ठीक किया, अच्छा किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा वो इस टक्कर के नेता नहीं है कि जो मोदी के सामने खड़े हों, या इवन केजरीवाल जैसे नेता के सामने खड़े हों, या ममता या नीतीश के सामने खड़े हों, वो कुछ ऐसी बात उनमें नहीं है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन से लगे हुए, तकरीबन 50 के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इज्जत माफ किसको किया जाए, दस्तार के साइज का कोई सर तो मिले। ये कहानी हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में और भी बहुत से अच्छे नेता हैं, अभी देखिए वो पूनावाला ने कांग्रेस को छोड़ दिया, शहजाद पूनावाला ने, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं कांग्रेस में हैं, और लेकिन उनके दिल में वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो शहजाद पूनावाला के दिल में चल रहा था। अच्छा, वो एक अच्छा नेता था, अच्छा प्रवक्ता था, लेकिन कांग्रेस ने उसकी कदर नहीं की। ऐसे लोगों को कांग्रेस काट रही है, अगर अच्छे लोग कांग्रेस से दूर होते चले जाएंगे तो कांग्रेस का इसी तरह से बंटाधार होगा। नहीं तो कांग्रेस ने तो पहचानने से ही इनकार कर दिया कि तो यही तो गलत ही ना। देखिए, मैं सिर्फ एक शहजाद पूनावाला की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ जिस तरह से वो डिफेंड करते थे डिबेट्स में कांग्रेस को, कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे पता नहीं क्या अंदरूनी बात हुई है, लेकिन ऐसे लोगों को कांग्रेस को अलग नहीं करना चाहिए, उनको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, एक रिकॉग्निशन उनकी होनी चाहिए, तो कांग्रेस तभी आगे बढ़ेगी। और रही बात राहुल गांधी की, तो परिवारवाद कहिए, वंशवाद कहिए, ये तो बात इसमें मिलती है, और इससे थोड़ा सा दूर होना होगा कांग्रेस को। अब सर जोड़ के बैठना होगा सारे नेताओं को, सरवा साहिबा आप भी अच्छी खासी सुलझी नेता हैं, आप और भी बहुत से लोग हैं, सर जोड़ के बैठिए और राहुल जी से कहिए कि खुदारा कांग्रेस को छोड़ दीजिए, करिए कंट्रोल कैसे भी करिए, लेकिन सामने मत आइए। देखिए राहुल गांधी, तीन दफ्स मैं लेना चाहूंगा, राहुल गांधी की राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी है, एक मिनट, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी है, उनकी विजिबिलिटी भी है, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्टेबिलिटी कब बनती है, परिपक्व कब होते हैं, हो सकता है 3 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, तो कांग्रेसियों को सर जोड़ के बैठना है और गांधी परिवार से छुटकारा दिलाना है, ताकि पार्टी बचे और ये तारीख बचे कि जिसने अंग्रेजों से लड़के देश को आजाद कराया। शरबत जा फातिमा जी, अब आप रिएक्ट कीजिए। आपने अभी जिनको हम सुन रहे थे, नाम तो हम शायद नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जवाब देना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने बात करी है गांधी परिवार, कांग्रेस, मैं आपका परिचय करा देता हूं, अगर आप नहीं समझ पाए कि किसकी आवाज थी। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, नहीं नहीं हम नाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं अपना नाम नहीं देना चाहता, परिचय की बात की है, मेरा नाम फिरोज बख्त अहमद है और मैं इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके बड़े भाई हूं। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, मेरी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, लेकिन मुझे कांग्रेस हम टीवी नहीं देख पा रहे हैं। आप पहले मेरी बात, हाँ आप कहिए फातिमा जी, सॉरी, हम टीवी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम नहीं बता सक रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वहां पे किनका नाम लिखा हुआ, हम अपने घर से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो आपने अभी इतिहास बताया, वाकई कांग्रेस का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी रही है और आज भी कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी पे बहुत फक्र है
और रहा सवाल राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी जी का, तो अगर आपको याद हो कि जब सोनिया गांधी जी आई थी तो इसी तरह से लोग उनको कहते थे कि सोनिया गांधी जी कैसे संभालेंगी कैसे संभालेंगी, और कितने बुरे सिचुएशन में उन्होंने संभाला था और उस चुनौती को स्वीकार करके 10 साल यूपीए के शानदार सरकार चलाई और 20 साल कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां उठा करके लेकर के आई। वही हाल अभी राहुल गांधी जी का है, जिस तरह से आप कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी को अलग रहना चाहिए और क्या किनका किनका आप नाम ले रहे थे कि उन लोगों को रखना चाहिए साथ में, हम इसको बिल्कुल ही फातिमा जी ये तो मानते हैं कि संगठन आपका तौर पर बिखराव है अगर राहुल कांग्रेस में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उस संगठन का हिस्सा है, दिन रात उसको हम देख रहे हैं, आप बाहर से बैठ करके एनालाइज करते हैं और हम उसका हिस्सा है। जहां सवाल गुजरात में, गुजरात में जिस तरह से राहुल गांधी जी को प्यार मिला है मैडम, बड़े वोट शेयर कुछ सीटों के बढ़ने से हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ता में उत्साह हो, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से शिकस्त मिलती जा रही है ये परेशानी नहीं बढ़ाती आप लोगों की? आप नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाती, बिल्कुल नहीं बढ़ाती परेशानी हमें, क्योंकि हम अपने मुद्दे और हम अपनी आइडियोलॉजी पे तब भी कायम होते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक रही है, मजबूत करता है वो स्टेबिलिटी की जो बात आप कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो नहीं रही कांग्रेस। आमिर हैदर साहब को दूर से लगता होगा लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी वही पुरानी आइडियोलॉजी, अपनी वही जो एक उनका विजन था जो नेहरू गांधी और सरदार पटेल जी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने बनाया था उसी आइडियोलॉजी के साथ। सरवा साहिबा गुजरात में तो वो आइडियोलॉजी दिखाई नहीं दी, वहाँ तो वो रिलीजन के ऊपर चल पड़े ये दिखाने लगे कि मैं मोदी जी से बड़ा हिंदू हूँ। नहीं नहीं, क्या आप मंदिर नहीं, अगर आप इस बात को एतराज जता रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मंदिर नहीं जाना चाहिए था तो नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए था, इसमें एतराज नहीं, काम सही था, टाइमिंग गलत थी, आदमी अपने मजहब के प्रति, इट वॉज अ गुड नहीं, इट वॉज अ गुड थिंग बट एट द रॉन्ग टाइम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत नहीं थी। जो आदमी अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं होगा वो अपने अवाम के प्रति कैसे ईमानदार होगा? अगर वहाँ वो मंदिर गए थे ये कोई गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने मुद्दे पे नहीं, उन्होंने सेकुलर कंट्री है, सिर्फ गुजरात का मतलब होता है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, हिंदुस्तान सेकुलर पार्टी का मतलब होता है कि पार्टी का कोई धर्म नहीं होगा। का मतलब आप ये प्रदर्शित करने में लगे गुजरात के अंदर कि हम बड़े हिंदू हैं या भाजपा बड़ी हिंदू है। मैं आपसे एक बात बता दूं, सुन लीजिए सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से सवाल उठ रहे कुत्ते गए, जब तक वो धार्मिक पर मंथन करने की जरूरत है, जब तक धार्मिक जब राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया तब उसे नुकसान हुआ, तब कांग्रेस शाहबानो केस के अंदर गई तब नुकसान हुआ। कांग्रेस का एक सेकुलर चरित्र रहा है जो बीजेपी जो कहना चाहिए गुजरात के अंदर खत्म होता हुआ नजर आया। जो मुस्लिम लीडर है वो नमाज पढ़े, नहीं आप बताइए, नमाज पढ़ने पे आपत्ति नहीं होती है, मंदिर जाने पे आपत्ति नहीं होती है, जब आप धर्म के आधार पे प्रचार करें तो आपको ये तय करना पड़ेगा। बीजेपी इस मामले में कामयाब हुई, बीजेपी का तो एजेंडा है, वो कहती है हम तो हिंदूवादी पार्टी है, कांग्रेस तो सेकुलर है, सर्व समाज को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। आप दोनों पार्टी ने एक काम किया, अंतिम बात करने जा रहा हूँ, हमने एक चीज पढ़ी थी, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप दोनों पार्टियां 3 सिपाहियों को मारने का काम कर रही है, बीजेपी तो कहती थी 3 को मारूंगी, आपने भी वही माफ कीजिएगा इस बात को। नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं था, ये कोई मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा शुरू में विकास था, लेकिन विकास में आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन यहाँ पर भरत सिंह मैं फातिमा जी आपके पास सुनिए, अब थोड़ा सा सर जोड़ने का वक्त है। देखिए एक स्टेट और चला गया आपके हाथ से, गुजरात तो था ही नहीं आपके पास, आते आते रह गया और आपके हाथ से हिमाचल भी चला गया, सोचिए क्या हो रहा है कांग्रेस का, क्या होगा आने वाले दिनों में, कैसे बचाएंगे आप कांग्रेस को? कांग्रेस हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम जैसे नौजवान बचाएंगे, हमारी आइडियोलॉजी को आगे आइए, ठीक है, राहुल गांधी को पीछे करिए, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, जो भी स्थिति देखने को मिल रही है, राहुल कांग्रेस का हिंदुत्व लेकर जो कमजोरी कॉर्नर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी ये गुलामी की एक परिवार की, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। मैं आऊंगा सर, फातिमा जी आपके पास आऊंगा, जो सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व लेकर कांग्रेस में अब जाता है, क्या वो आपको लग रहा है कि बीजेपी की राह पर अब चलना शुरू हो गया है? स्लेव कल्चर आ गया है कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी। फातिमा जी मेरा सवाल आपसे नहीं है, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, भरत सिंह जी
ये जो हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस में देखने को मिला, जैसे मंदिर मंदिर जाने का जिक्र अभी हो रहा है, आमिर हैदर साहब जो कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद अपनी नीतियों से भटकती हुई नजर आ रही है, ये बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल बन सकता है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी का अभी तो क्लियर नहीं है कि वो हैं क्या, वो हिंदू हैं कि ईसाई हैं कि पारसी हैं, लगता है। सर आप ही लोग कह रहे हैं, वो तो जनेऊ धारी बता रहे हैं, पंडित राहुल गांधी बता रहे हैं। अरे जनेऊ धारी मैं उनके कानून नहीं दे सकते, ये आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है, ये सब कभी कभी आपने देखा मंदिरों में कभी राहुल गांधी नहीं गए, कभी कभी धर्म के प्रति कभी उन्होंने आस्था व्यक्त नहीं किया। राहुल गांधी की कोई नीतियां नहीं है, प्रति आशा व्यक्त करने का मतलब है फिर आप अपनी बात रखते हैं। नहीं नहीं सुनिए, भरत सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कहता कि राहुल गांधी जी का, मैं राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं, इस देश का पूरे देश समाज इन लोगों का, ये मुस्लिम तुष्टिकरण के नीति को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, सर नारा तो आप भी बुलंद करते हैं ना भरत सिंह जी, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। गुजरात में तो मुस्लिम भी मोदी जी के साथ खड़ा किया था, फिर मोदी जी को ये इसलिए कहना पड़ा गुजरात में, इसलिए देखिए अहमद पटेल को सीएम बना देगी कांग्रेस, क्यों कहना पड़ा आप बताइए, अहमद पटेल को अहमद पटेल के होटल में देश विरोधी अहमद पटेल की आप जिक्र कर रही हैं, तो कांग्रेस को नाम लेने में डर था क्या, किस बात की दिक्कत थी? कांग्रेस पार्टी को कोई नाम लेने डर नहीं लगा था, कांग्रेस पार्टी क्यों ना देश विरोधी लोगों को साथ देने का काम, पाकिस्तान का नाम क्यों लेना पड़ा? फातिमा जी, आप लोगों ने कहा कि जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं कि अहमद पटेल को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जाए, तो आपने कहा ये बीजेपी की साजिश है, क्यों डर फिर था? आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री जी जब इतने ही आश्वस्त आप हमसे पूछ रहे हैं, नहीं भरत सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, फातिमा जी से मेरा सवाल था, तो फिर उनको गुजरात चुनाव में पाकिस्तान, उनको गुजरात चुनाव में औरंगजेब, खिलजी, अहमद पटेल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये सब डर गुजराती भाइयों को, मतलब 85% हिंदुओं को 15% मुसलमानों से डरा रहे हैं। किस बात के लिए डरा रहे थे जब आप इतने ही आश्वस्त थे? तो अगर क्या अहमद पटेल हिंदुस्तानी नहीं है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? अगर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन ही जाते तो आपको क्यों आफत आ रही थी? तो ये है बीजेपी का चेहरा जो इस तरह से फातिमा जी, आपकी पार्टी को क्यों डर लग रहा था? आपकी पार्टी को क्यों डर लग रहा था अहमद पटेल साहब का नाम लेने का? हम क्यों लेते? क्योंकि जब तक हम जीते नहीं हम क्यों लेते? हम तो कोई चेहरा पेश ही नहीं किए थे, हम कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा पेश किए थे नहीं, पेश किए थे ना, जब हम जीतते उसके बाद डिसाइड करते कि हाँ कौन मेरे यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कि अहमद पटेल बनेंगे या कोई और बनेगा, ये तो तब की बात थी। तो क्यों प्रधानमंत्री जी को ये डराना पड़ा गुजरातियों को? ये तो प्रधानमंत्री जी ही बता देंगे ना, तो उन्हें क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा पाकिस्तान को, जब वो इतनी ही आश्वस्त थे, जब उन्हें 22 साल के काम पे इतना ही घमंड था, क्यों उन्हें खिलजी, औरंगजेब और ऊटपटांग तरह की बातें कहनी पड़ी प्रधानमंत्री जी को? बता दें प्रधानमंत्री जी को क्यों इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, पार्लियामेंट में ताला लगा करके पूरे टाइम उनको गुजरात में रहना पड़ा, जब इतने ही आश्वस्त थे कि हाँ हमारा कार्य है, विकास किया हुआ है, तो फिर क्यों करनी पड़ी? चले ठीक है, थोड़ी चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा के समापन का धीरे धीरे वक्त भी नजदीक आता जा रहा है। भरत सिंह जी, कुछ चुनौतियां अभी आप मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब थोड़ा और मुस्तैदी दिखाने की जरूरत होगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। जी, अब हम आपकी बात का स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी और श्री आदरणीय श्री अमित शाह जी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से धीरे धीरे ये जो चुनौतियां हमारे सामने हैं,
युवाओं के लिए रोजगार की जो चुनौती है उस पर हम खरा साबित होने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से नहीं इसको लेकर क्या कुछ देखिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से देश के प्रचार के दौरान गुजरात में यही मुद्दा बनाया गया कि बीजेपी जिस गुजरात मॉडल का जिक्र करती थी बाकी स्टेटों में चुनाव के दौरान उस विकास के मुद्दे से भागती नजर आई, तमाम तरह की बयानबाजी का सहारा लिया गया, इमोशनल कार्ड खेले गए। नहीं नहीं हम विकास के मुद्दे पर ही थे, ये लोग इन लोगों ने जातिवाद को छह देना चालू किया का कितने दिनों चर्चा किया और जातिवाद पर कौन सी मीटिंग में इन्होंने विकास की बात करी है अपनी किस में प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता ये बात किया हो कि हाँ हम यहाँ विकास करेंगे किसी एक मुद्दे पे शिक्षा स्वास्थ्य रोड। आप अभी बोल रही थी अहमद पटेल की बात कर रहे हैं, बहुत कष्ट है कि अहमद पटेल मुख्यमंत्री ने बने इसके लिए आपको बहुत कष्ट है। अहमद पटेल के होटल में देश विरोधी लोग होटल में सालों साल से शेल्टर लेते रहे, देश विरोधी ताकतों को साथ देने। भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, ये तो फिर केंद्र सरकार की कमजोरी आपको नहीं लगती? भरत सिंह जी अगर आपको पता है कि कहीं पर देश के खिलाफ कहीं पर कोई गतिविधियां चल रही हैं के लोग उन पर तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। देश विरोधी लोगों को साथ देने का काम किया है और इसलिए सर जब सारी जानकारियां आप लोगों के पास थी मोदी तो आप लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए था, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। उठ चुका है भरत सिंह जी, ये तो कमजोरी आप लोगों ने किए गए ना, क्यों नहीं किया इन्होंने, क्यों नहीं कार्रवाई जब आपको ये ऐसा है कि यह काम हो रहा है तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से कश्मीर में पत्थरबाजी आतंकवाद कम हुआ, आतंकवादी एक चुन चुन करके मारे गए, जिस प्रकार नक्सल समस्या पर लगाम लग रहा है थोड़ा भटक तो मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। भरत सिंह जी चुनावों के दौरान जिस बात का जिक्र किया गया रोजगार का आशंका जाहिर की गई कि देश द्रोही गतिविधियां हुई हैं आगे बढ़ेगा तो सर कार्रवाई तो आप लोगों को करनी चाहिए थी, ये तो गंभीर खतरा नहीं आपको लगता कि जब आप कह रहे हैं कि हाँ देश द्रोह के तहत कुछ साजिश चल रही है। अक्षय वो तो चिन्हित हुए ना, आ रहा हूँ मैं फातिमा जी, ये अहमद पटेल के होटल में लोग शेल्टर ले रहे थे बाद में प्रकाश में आ गया। नहीं तो कार्रवाई क्या की ये भी तो बता दीजिए ना, प्रकाश में आ गया सर कार्रवाई क्या की ये बता दीजिए ना, कार्रवाई हो रही है नहीं क्या कार्रवाई होगी आपकी जानकारी में भरोसा नहीं आपकी जानकारी में क्या है निश्चित से कार्रवाई होगी। आपने ये तो कहा कि इस तरह की गतिविधियां हो रही थी लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब ये ध्यान में आया तो कार्रवाई हुआ सर लेकिन क्या कार्रवाई हुई ये नहीं बता पा रहे फातिमा जी। अक्षय ये आपको पता चल जाएगा, आपको ये लोग सिर्फ देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से इस गुजरात के इस पॉजिटिव पक्ष ये हुआ कि गुजरात के चुनाव जीतने के बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो काम हो रहा है पूरे विश्व के स्तर पर मोदी जी ने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। भरत सिंह जी आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी को भी आप सिर्फ भरोसा नरेंद्र मोदी के चेहरे का रह गया? प्रशंसा भरत सिंह जी बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे यूपीए शासन और सोनिया गांधी की तारीफ। भरत सिंह जी सवाल तो सुन, 10 साल में यूपीए शासन में भरत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे का सहारा है, बीजेपी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे का सहारा है क्या सर? मेरी आवाज अगर आप तक सवाल जा रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा रह गया कि उनका चेहरा दिखाकर चुनाव जीतते चले जाएंगे? अरे भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी जी हैं, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ा है, ये केवल ये कांग्रेस पार्टी थोड़ा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी। शरबत महात्मा जी अभी फिरोज बख्त अहमद साहब थे, फिरोज बख्त अहमद साहब थे, उन्होंने यही सवाल उठाया कि कांग्रेस में जो बिखराव है कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ठीक है भरत सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, जो कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है अब इसको एकजुट करना आपको नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी चुनौती होगी? उत्साहित जरूर हो सकते हैं गुजरात में जो भी रिजल्ट रहा।
अक्षय, कांग्रेस पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर बहुत मजबूती के साथ गुजरात में खड़े हुए और चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, और हमें किसी और नेता की जरूरत नहीं है, राहुल जी का नेतृत्व काफी है, उनके पास एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, मेरे पास फहरिस्त नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी है, बस उनका ही चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हमें एक मिनट अक्षय, क्योंकि हमें अपनी आइडियोलॉजी और हमें अपने काम और हम जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं उस पर ज्यादा विश्वास है, बीजेपी की तरह दोहरी राजनीति नहीं करते। पीडीपी और बीजेपी की जो शासन है वहाँ कश्मीर में, पूछिए उनसे क्या आतंकवादी को शहीद का दर्जा देकर के उन्हें मुआवजा नहीं दे रहे, क्या ये हमारे हमारे जो सैनिक हैं उनका अपमान नहीं है, ये क्या दोहरी पॉलिसी अपनाएंगे, क्या गुजरात की बात करेंगे? ये आरोप तो फिर शर्मा जी, फातिमा जी, कांग्रेस पर भी लगेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो आपके सहयोगी तो है ना, उनकी तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सोनिया जी को तो निंदा नहीं आ रही। बीजेपी कह रही है कि ब्रांड मोदी स्थापित हो चुका है, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को अभी खुद को स्थापित करना है, ये बड़ी चुनौती आप नहीं मानती है? अगर ऐसे ही चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के बाद उस प्रदेश को भूल जाना है, उस प्रदेश के साथ कुछ नहीं करना है, तो ऐसी जीत बीजेपी को मुबारक हो। हम विपक्ष में रह करके उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि गुजरात के प्रति या जिस भी प्रदेश में आप जीतते हैं उस प्रदेश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ये काम करती रहेगी राहुल जी के नेतृत्व में, और राहुल जी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। राहुल जी का जनरेशन छठा जनरेशन है जो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहा है, और हमें लगता है कि जो भी पीछे के नेता रहे हैं उन्होंने जो एक आयाम छुआ है वही आयाम राहुल गांधी जी भी आने वाले दिनों में छुएंगे, और इसे हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत के लिए तैयार हैं, हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल जी के नेतृत्व में एक एक वर्कर तैयार है और आगे भी तैयारी करता रहेगा। विकास के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने गुजरात में बीजेपी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन उसी बीजेपी ने अमेठी के विकास को लेकर आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया, निकाय चुनाव, स्थानीय चुनाव, अमेठी की बात क्या करेंगे? आपको 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 शायद पता हो कि निकाय चुनाव में हमने वहां पे कैंडिडेट ही नहीं उतारा था, और रायबरेली में उतारा था, रायबरेली की सारी सीटें जीते थे, लेकिन अमेठी तो हमने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ना मैडम, अगर वहां पर शिकस्त होती है कांग्रेस का गढ़ बड़े संकेत देती है। हमने निकाय चुनाव में अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा था, बीजेपी भले ही उसे जिस तरह से प्रोपेगेंडा करे, लेकिन रायबरेली में हमने उतारा था और रायबरेली की हम सब सीट जीते थे। गुजरात के प्रति हम एक बात अक्षय कहना चाहेंगे कि गुजरात में हम उसी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष का रोल अदा करेंगे, जिन जिन मुद्दों पे हमने उन्हें घेरा था उन मुद्दों पे उन्हें वापस करेंगे कि आप आए और गुजरात के लिए ये सारा काम करें जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरबत जहां फातिमा जी, और बहुत शुक्रिया भरत सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद अब यही की जानी चाहिए कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए आने वाले वक्त में परीक्षा कड़ी होने जा रही है, हालांकि दोनों की तरफ से अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं और दावों पर आम जनता यकीन भी करती है, लेकिन किसके दावे में कितना दम होता है, ये जब चुनाव होते हैं उसके बाद जब परिणाम सामने आते हैं तब ये दावे पुख्ता होते हैं। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।